मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, यार हंस रहा है, हंस नहीं रहा, मजाक उड़ा रहा है मेरा। नहीं, कहीं पे भी रुको ना तो व्यू तो ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि इससे भी खतरनाक होना चाहिए, मजा ही आ जाए देख के कमरे में बैठे बैठे ही। इस वाले शॉट में इतनी नौटंकी होती है ना कि ये मेरा फेवरेट हो गया। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शेंकीज़ गुड लाइफ। भाई आज है डे 3, दूसरे दिन तो हम घर पे ही रहे, एंड डे 3 रात से हो रही है बारिश, अभी भी हो रही है बारिश, पूरा व्यू ढक चुका है मेरा, पर कोई नहीं, दोबारा आएगा व्यू, तो व्यू के मज़े नहीं ले पा रहा मैं, अभी दिखाता हूँ कैसा लग रहा है अभी। ऐसा हो गया है मतलब दिख नहीं रहा, दिखाते हैं लेकिन फिर भी। तो भाई आज हो रही है बारिश, धौलाधार रेंज पूरी छुप गई है, यहाँ के जो लोग हैं वो मुझे बता रहे हैं कि वहाँ बर्फ पड़ गई है, और तो मुझे तो नहीं पता भैया, जब कोहरा हटेगा ये पूरा तब पता लगेगा कैसे क्या है। हैंड फ्री में मेरी गाड़ी भी धुल गई है, कल रात से धुल रही है। आहा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आएगी खुशबू भाई मैं कहाँ हूँ, ये देखो ना व्यू, देखिए व्यू, देखिए व्यू के ही पैसे हैं, बहुत ही अच्छा व्यू, बहुत ही अच्छी खुशबू, बारिश की और अलग ही लेवल की, बहुत सही, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। धीरे धीरे क्लियर हो रहा है इधर, और भाई साहब बादल गरज रहे हैं, जो गरज रहे हैं आज वो बरस भी रहे हैं, जो गरज रहे हैं वो आज बरस भी रहे हैं, कोई नहीं देखते हैं क्या होता है, कहाँ जाते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे भी रुक सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मेरे को तो यहाँ पे रुकने में भी बहुत मजा आ रहा है सीरियसली। और गाइस नाश्ता आ गया मेरा, आलू के पराठे साथ में अचार, और साथ में दिल से फूडी वाला लड़की बन के आया है, उसका फेवरेट अमूल बटर। व्यू और कॉफी, मेरा व्यू वापस आने वाला है, बादल हैं अभी अभी हट जाएंगे, कोई नहीं क्या हो गया, वेट कर लेते हैं थोड़ा। क्या फील आ रही है ना, जबरदस्त। सो गाइस फाइनली मौसम साफ हो चुका है, एंड बारिश हो रही थी कल रात से जो कि अब क्लियर हो गई है, एंड अब नहाते धोते हैं एंड जाते हैं घूमने कहीं ना कहीं, तो मेरा व्यू वापस आ गया। सो गाइस जैसा कि यहाँ के लोग कह रहे थे कि कल रात को धौलाधार रेंज में बर्फ पड़ी है, एंड सीरियसली पड़ी है, मतलब यहाँ पे भी आ जाती कुछ बिगड़ जाता तेरा, पर क्या लग रहा है ना आज एकदम अलग से चमकदार बर्फ है, एकदम सफेद मजेदार। सो गाइस फाइनली आलस वालस को छोड़ के मैं हो गया हूँ तैयार, एंड अब हम जा रहे हैं घूमने, पहले देखते हैं मैक्लोडगंज और धर्मशाला में घूमेंगे कहीं, क्या करते हैं अब पता लगेगा भाई आगे जाके चल के, बट आलस को मैंने बंद किया एक डब्बे में, और नहा धो के तैयार हो गया एकदम फ्रेश, व्यू देख लो दोबारा। तो मिलेंगे वहीं, दिखाएंगे आपको आज का क्या रहता है। गाइस ये है मैक्लोडगंज, मैक्लोडगंज बेसिकली एक मार्केट ही है, एंड बारिश हो रही है, ऑलमोस्ट खाली खाली हो रखी है मार्केट, एंड यहाँ पे कैफेज बहुत सही सही हैं, अभी हम जाएंगे एक आधे कैफे में, पहले सोच रहे हैं क्रिकेट ग्राउंड में जाएं, बट बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, तो देखते हैं, लेट्स सी
क्या करते हैं। बाकी मैक्लोडगंज देख लो जी, ऐसे ही है, मार्केट है पूरी। एंड यहाँ पे तिब्बतन एक वो भी है, दलाई लामा का टेंपल है, जिसकी वजह से ये फेमस है। और देखते हैं आगे चलते हैं, पता लगेगा क्या क्या है। और जितना मुझे पता था मैंने उतना बता। यस, सो गाइस फाइनली धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड जा रहे थे, बट कट्टा हो गया। कट्टा ये हो गया कि भाई बारिश हो रही है बहुत तेज़, और इतनी तेज़ हो रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। मेरे को एक पार्किंग मिल गई जो कि ऐसे शेड वाली टाइप ऐसे बनी हुई है, एंड बारिश हो रही है भाई साहब खूब, मतलब क्या ही बताऊँ। ऐसा हो गया कि तो मैच अपेंडेंट हो गया ड्यू टू रेन। कोई नहीं, किसी और दिन चले जाएंगे, अभी तो हम हैं यहाँ पे। एंड अब हम जाने वाले हैं, एक येलो लामा कैफ़े है वहाँ जाने वाले हैं, बहुत सही चीज़ें मिलती हैं वहाँ, पता कर लेता हूँ पहली। तो वहाँ जाएंगे, अभी थोड़ी देर यहीं वेट करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। बारिश रुके तब वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। यहाँ से वहाँ पहुँचते ही हम भीग जाएंगे अच्छी तरह अगर नहीं रुके तो। तो वेट कर रहे हैं यहाँ पे, भगवान का शुक्र है हमें एक ऐसी पार्किंग मिल गई, तो वेट करना तो पड़ेगा ही, कुछ कर ही नहीं सकते उसके अलावा, और कोई ऑप्शन ही नहीं। बाकी व्यू तो यहाँ से भी है भाई, व्यू देख लो, व्यू व्यू का मज़ा ले लो। एंड सीरियसली ये ना अलग है, मनाली शिमला में हर जगह ऑलमोस्ट गया हूँ इन सब जगहों पे, पर एक मनाली थोड़ा डिफरेंट सा था, एंड ये जगह ना बिल्कुल ही डिफरेंट है, मतलब अलग, आपको अलग फील है भाई। पर ये दिल्ली से बहुत दूर पड़ जाता है, तो भाई आने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है कि भाई जाएं या ना जाएं। तो ठीक है, कोई नहीं, अभी तो वेट कर रहे हैं, एंड पता नहीं, देखते हैं। मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, यार हंस रहा है, हंस नहीं रहा, मजाक उड़ा रहा है मेरा। क्या हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी, मेरी बीवी नहीं आएगी भाई। दिल्ली वालों को तो ऐसा मौसम चाहिए होता है, मजा। एंड अब हम जा रहे हैं कैफे में, दिखाते हैं। तो भाई ये वो कैफे है, येलो लामा कैफे एंड लाउंज। भाई साहब ये येलो लामा से क्या व्यू है, गजब, बहुत ही सही, अभी गजब, सब कुछ गजब है भाई। चलो अब खाना खाते हैं, यहाँ खाना भी बहुत गजब है। और गाइस अभी एक्चुअली बारिश हो रही है, इस वजह से इन्होंने सिटिंग विटिंग अभी ऊपर की हटा रखी है, हम खुद नीचे ही बैठ के खा रहे हैं। एंड यहाँ से व्यू देख लो बस भाई साहब, मैक्लोडगंज धर्मशाला नड्डी इन सब जगह पे सिर्फ व्यू के पैसे हैं भाई। एंड आई थिंक ये जो इधर देख रहे हैं ना, यही है धर्मशाला का क्रिकेट ग्राउंड। अभी देखते हैं, बारिश रुक तो गई है, हो सकता है मैच दोबारा शुरू कर दें हम अपना एंड जाएं। आहा, यहाँ पे मैच तो लगता है नहीं हुआ होगा आज, वहाँ तो मुश्किल ही है। अभी हम जा रहे हैं नीचे ही, वापस नीचे ही बैठ के खाएंगे भाई, यहाँ पे ऊपर तो बैठ ही नहीं सकते बिल्कुल, ऐसा हो रखा है क्योंकि हवा इतनी तेज चल रही है ना कि बारिश की ऐसे वो, हाँ हवा चल रही है ना, देख क्या देखा, मीनाक्षी जी ने भी बता दिया। जब मीनाक्षी जी ने कह दिया तो मैं उनकी बात कैसे टाल सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ नीचे आराम से उनके अंदर जो रेस्टोरेंट है वहाँ बैठ के आराम से खाएंगे हम दोनों, एंड बहुत सही सही खाना मिलता, बहुत टेस्टी, देखते हैं अभी दिखाते हैं। एंड ये इंडोर सेटिंग है इनकी,
और भाई बहुत ही सही सजा रखा है अंदर से भी। इधर बैठूं? ओके। गाइस पहली डिश आ गई है जिसका नाम है बेक चीज मोमोस, वेज मोमोस। हैप्पी नवरात्रि, इस वजह से वेज मोमोस। वाह री लेडी वाह। बहुत सही। गाइस पिज़्ज़ा भी आ गया हमारा, लामा सिग्नेचर पिज़्ज़ा, सब ये भी इंजॉय करेंगे। एंड दिखने में ही ना बहुत सही है, खा के भी बताएंगे। हाँ हाँ अभी ये खाने वाला हूँ मैं। एंड गाइस मैंने अपनी ज़िंदगी के बेस्ट वेज मोमोज यहाँ खाए हैं येलो लामा। जिंदगी के बेस्ट वेज मोमोज, माइंड इट वेज वाले। बाकी नॉन वेज तो बहुत जगह मिल जाते हैं, बट वेज बहुत ही सही थे, क्या थे ना अल्टीमेट। यहाँ हो तो ये ट्राई करना जरूर। कोई ठंड इतनी है कि सूप की आवश्यकता पड़ गई, तो अब हम सूप एंजॉय करने वाले हैं, अपना मशरूम सूप। कुछ इतना सब कुछ खाने के बाद अब आ गई हमारी कॉफ़ी, कॉफ़ी कैपचिनो हेज़लनट, जो कि मैं इंजॉय करने वाला हूँ बाहर खड़े होके। अब मैं अंदर बहुत बैठ गया हूँ, मैं नहीं बैठ सकता, सॉरी, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ से। ओके मैडम, आप यहीं बैठेंगी? बैठिए। इस व्यू को बाय बाय तो कर दूं। ओके व्यू, बाय बाय, मैं जा रहा हूं अपने दूसरे व्यू पे। वहां चलें क्या, धर्मशाला? अरे कहां जाएं, बारिश तो नहीं हो रही अब, जैसे पहले वो आता था शुरू हो गई थी। वापस आ जाएंगे क्या, यहां से कितने ही दूर है। चलो अब हम धर्मशाला जा रहे हैं, धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड, जो कि वो रहा। एंड बाय बाय व्यू। सो गाइस बिकॉज ऑफ बैड वेदर मेरा क्रिकेट ग्राउंड में जाना भी कैंसिल हो गया है, क्योंकि बारिश बहुत वैसी हो रही है, मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, तो कभी भी भाई कुछ भी बारिशें आ सकती हैं बहुत तगड़े वाली। तो हम वापस अपने होम स्टे पे जा रहे हैं, एंड ऐसे ही बस हल्का फुल्का घूम लिया अभी तो फिलहाल, बाकी देखते हैं। अभी तो हम हैं भाई, और दिन है, डलहौजी वलहौजी नहीं जा रहे, अब हम इधर ही रुकें। वो भी तो ऐसे ही है, ऐसे ही तो, यही तो है, यहीं पे मजे ले लो पूरे। क्यों, अब हम वहां की विलेज लाइफ देखेंगे। सो गाइस चलते चलते मेरे को ना एक कल की बात याद आई है। कल क्या हुआ भाई, मैं तो अपनी बीवी को प्यार से कह देता हूँ मोटी, तो हमारे साथ जो होम स्टे है ना जिनका, तो वो दीदी थी, तो मैंने उनके सामने ही इसे बोल दिया, मैंने कहा यार मोटी ऐसा मत कर। तो वो दीदी कहती कहाँ है मोटी, क्यों बोल रहा है तू इसे मोटी। मैंने कहा यार आप समझे नहीं। कहती क्या, मैं देखो जैसे राजा की क्या होती है रानी, शेर की क्या होती है शेरनी, उसी तरह मोटे की मोटी। उसके बाद वो बेचारी कुछ बोली नहीं पाई। पर बहुत अच्छी लेडी है जिनका होम स्टे है, एंड अगर यहाँ आओ तो सीरियसली कांगड़ी धाम खाना, क्या खाना बनाती है ना वो, वैसे तो कुक है एक अलग से, पर कांगड़ी धाम वही बना के खिलाती है। और बिल्कुल क्या मैं बताऊँ, घर पे तो क्या बनाते हो तुम, ऐसा बनाते ही नहीं भाई, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा खाना था। मतलब कि उनको अगर कुकिंग में कोई टक्कर दे सकता है तो वो मैं ही हूँ। हाँ क्या मैं दे सकता हूँ बेटे, मैं देखता हूँ भरत किचन यूट्यूब पे, और भरत भाई के कहने में मैंने क्या क्या बना डाला ना लॉकडाउन में, नकल करके बनाता, नकल करके क्या भाई, बना तो मैं ही रहा हूँ ना, भरत थोड़ा ना अपना हाथ ला रहा है यूट्यूब के बाहर से, ले ये डाल दिया मैंने गरम मसाले, ले ये मैंने डाल दिया नमक, डालता तो मैं ही हूँ,
और क्या बनाता हूँ ना, देखना जरूर। अगर कुछ खाने का ट्राई कर रहे हो ना, भरत किचन देखना और फिर बनाना भाई। वो ऐसे बताता ना जैसे साइंटिस्ट हो, सीरियसली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और गाइस ये है डल लेक, एंड वैसे तो बहुत ही सुंदर लग रही है। पानी थोड़ा देखो गंदा हो रखा है, बारिशें होती हैं, ऊपर पहाड़ हैं, तो वो तो बट ऑब्वियस ही बात है वैसा हो ही जाएगा। एंड एज सच ऐसा कुछ नहीं, बट मैंने जैसे खजियार की फ़ोटो देखी थी ना, उसी टाइप की फील आ रही है। तो खजियार कैंसिल, मैंने खजियार अपना यहीं देख लिया। एंड इसमें मछलियाँ भी हैं, बहुत सारी हैं। कुछ खाने के लिए डालें? चिप्स नहीं खाती। ओ ये देखिए देख, यहाँ पे देख कितनी सारी हैं इस कोने में। वाह, तुम जाओ, आओ इधर भागती हुई आओ, स्लो मोशन में तुम्हारी रील बनाता हूँ कल की तरह। ऐसे हाँ, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ। ये मैं ही बना रहा। मैं गिर जाता भी। क्या हो गया, सर घूम गया तुम्हारा? कहाँ है? वापस कर दो, वापस वापस घुमा लो। एंड यहाँ पे कैफेज भी हैं थोड़े, एक मंदिर है ऊपर। एंड ठीक है भाई, ऐसे ही थोड़ी देर के लिए स्पॉट है घूमने फिरने वाला। चले मैडम, चलो क्या करना? भाई वहाँ पे ट्रैकिंग करके जाते हैं लोग, जाते ही होंगे, तभी ऊपर ये टांग रखा। इससे मिले हुए मुझको तो एक अरसा हो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। क्या गाता हूँ, वाओ वाओ वाओ। तो मेरी आवाज कैसी लगती है? आप ही अच्छी लगता हूँ मुझे। ये चीज मेरे को मेरी बीवी ने सिखाई है कि जब भी मोड आए तो आपको हॉर्न जरूर मारना चाहिए। एंड इसी तरह देखो धीरे धीरे स्किल्स बेटर होती हैं गाड़ी चलाने की, जब आप अपनी बीवी की सुनने लगो। इससे पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं तो ऐसे ही गाड़ी चला रहा था आज तक। तो अब मेरे को ये चीज आ गई है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय वाइफ। यार एक तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, यार मैं तारीफ कर रहा हूँ मम्मा। भाई लॉकडाउन लग गया क्या, कोई आई नहीं? अरे ठंड इतनी हो गई है, कौन बाहर निकलेगा? नहीं निकलते ऐसे पहाड़ी ठंड में, कौन निकलेगा? यार मैं सोच रहा हूँ मैं भी ना पहाड़ों में शिफ्ट हूँ, मतलब अब ठंड हो गई है तो लोग बाहर ही नहीं निकलेंगे। मतलब इतनी ठंड में क्यों निकलेंगे जबरदस्ती? मतलब यार मैं अब मेरे को समझ आया भाई, मैं वैसे आलसी नहीं था, मैं पहाड़ी हूँ इसलिए मैं आलसी हूँ। तो आप तो आलसी होंगे। मैं आलसी नहीं हूँ ना, मैं बहुत भाई मैं बहुत एकदम ऐसा एनर्जेटिक आदमी हूँ ना, रिवाइटल की बोतलें खा रखी है मैंने पता नहीं कितनी। मतलब कोई बंदा जैसे होता है भाई आलस का मारा तो सोता रहता है, मैं तो दो दो दिन भी जाता। किसी को ऐसे बोलो ना कि आप आलसी नहीं हो, उसको आलस आएगा वो तब भी आलस नहीं करेगा। तो ये तुमने सिर्फ मेरा दिल खुश करने के लिए मेरे से झूठ बोला है? यस। और मैंने इतना ज्ञान पेल दिया। बेस्ती हो गई भाई, बेस्ती हो गई मेरी बेस्ती। देखो जब शादी हो जाती है ना तो ऐसी छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करना चाहिए, इनको दिल पे नहीं लगाना चाहिए। हो भी गई बेस्ती तो क्या हो गया, क्या हो गया फिर? बेस्ती उसी की तो होगी ना जिसकी इज्जत होगी। साडा घर तो इत्थे है ना, आहो। और ये रास्ता जाता है हमारे होम स्टे की तरफ, जैसा कि हम अभी जा रहे हैं।
और भाई रात को जब मैं आया था ना, जब मैं एक्चुअली जब यहाँ पहुंचा था तो अंधेरा टाइप हो गया था। ये देखो ये लोग घूमने आए, तो घूम रहे हाँ। अरे घूमने आते हैं तो हम यहाँ ही रह रहे हैं। नहीं पर जैसे आप कह रहे थे ना कोई दिख नहीं रहा है बाहर। हाँ मतलब वैसे तो रात को जब मैं आना तो मेरे को लग रहा था भाई कहाँ जा रहा हूँ, कैसी जगह वापस जाने वाले थे। हाँ, मतलब ऐसी फील आई, बट अब दिन में आए हैं तो पता लग गया भाई नहीं ठीक है। अच्छा है वो नीचे आग लगी हुई है? नहीं कोहरा है। ऐसा क्या कोहरा है जो बारिश में कहाँ आग लगेगी? ओ या माय वाइफ इज सो इंटेलिजेंट। कोहरा है देखो, ऐसा कैसा कोहरा जा रहा है भाई जैसे कोई नीचे बैठ के सिगरेट पी रहा हो। वहीं से शुरुआत हो रही है और फैल गया देखो। अच्छा ऐसा भी होता है। सो गाइस बहुत ही भयंकर बारिश हो रही है यहाँ पे एंड बहुत ज़्यादा ही हो रही है, हद से ज़्यादा। कल रात से चल ही रही है एंड अच्छा हम सही टाइम पे घर आ गए। व्यू भी छुप गया मेरा व्यू भी मेरा छुप गया है, कोई नहीं सही टाइम पे घर आ गए। आज धर्मशाला मैक्लोडगंज गए थे, वहाँ पे थोड़ा बारिश वारिश का ही सीन था तो वही लामा कैफ़े पे खा खू के आ गए। क्या मोमोज थे ना, अगर कभी मैक्लोडगंज जाओ तो येलो लामा में जाके वो मोमोज ज़रूर ट्राई करना। तंदूरी चीज़ मोमोज ऑसम, बहुत सही थे, तंदूरी नहीं बेक्ड एक्चुअली। एंड चलते हैं, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। day 3, कल day 4 है, देखते हैं day 4 में क्या करते हैं। बारिश रुकेगी तो कहीं जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं, यहाँ से भी खूब मज़े कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यू है हमारे पास, अभी छुपा हुआ है पर दोबारा आ जाएगा। तो चलो जी, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग शैंकीज गुड लाइफ, बाय बाय। एंड हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर, गुड बाय।